हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज का रेसिपी है हमारा मछली रेहू मछली है दोस्तों। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे बन रहा चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए धनिया पत्ता है और टमाटर, अभी मैं काटूँगी कटिंग करूँगी, तो चलिए पहले दिखाती हूँ क्या क्या खाना है। तो इसलिए दोस्तों चलिए वीडियो बने रही है फुल ब्लॉग देखने के लिए, कैसे कैसे बनाएंगे बने रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं मछली को पहले धो ले रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए पीस है, चलिए मैं धोकर सारा मछली धोकर मिलती हूँ, बने रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैं अच्छे से मछली को साफ़ कर ली हूँ। यहाँ देखिए रेहू मछली में चोटा रहता है, इसको छोड़ा लेना है, मैं छोड़ा ली हूँ, अच्छे से साफ़ कर ली है। उसके बाद इसको अच्छे पानी तक धो लेंगे पानी। चलिए यहाँ देखिए अभी मैं एक दो पानी और धो लूँगी, यहाँ देखिए एक पानी धोऊँगी फिर पानी में डालूँगी ताकि पानी जो है साफ हो जाए। चलिए चोटा छोड़ा ली हूँ पूरा, तो बने रहिए फिर अब धो कर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हल्दी है पिसा हुआ है, यहाँ देखिए ये है धागा है दोस्तों। चलिए इसमें हम नमक लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मसाला भी रेडी हो गया है, देखिए मसाला पिसा हुआ है, सारा मसाला पिसाया गया है सब कुछ, मतलब जितना लगेगा इसमें। और यहाँ धनिया पत्ता भी है, टमाटर है। चलिए हम गैस को ऑन कर दिए हैं, यहाँ देखिए कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए ज़्यादा नमक नहीं लेना है। चलिए इसमें हम फ्रेंड्स यहाँ देखिए मछली को तलेंगे, मछली डाल रहे हैं हम, फ्राई कर रहे हैं यहाँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ देखिए धनिया पत्ता भी कटिंग हो गया है, मछली को फ्राई करके निकाल रहे हैं। उसके बाद बने रहिए आप लोग, देखते रहिए कैसे कैसे हम बना रहे हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स पूरा तेल गर्म रहेगा, उसके बाद ही मछली को डालिएगा, नहीं तो मछली टूट जाएगा, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ दोस्तों। तेल को पूरा अच्छे से गर्म कीजिएगा। यहाँ देखिए कितना मछली हमारा फ्रेश है, एक भी टूटा मछली नहीं है, और पूरा एकदम ऐसे हिलाइएगा, हिल जाएगा उसके बाद ही पलटिएगा। चलिए सरसों वाले तड़का देकर बहुत ही मस्त लगता है, तो बने रहिए आप लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। मछली को निकालते हैं, बने रहिए। चलिए दोस्तों ये मछली का सिर है, इसको डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ इसको भी डाल देते हैं, जगह नहीं है दोस्तों, मछली का अंडा है। तेल नहीं है ज़्यादा, तेल नहीं हो जाएगा। चलिए बने रही आप लोग। और यहाँ देखिए दो टमाटर मैं ली हूँ, इसको कटिंग कर लेती हूँ और मसालों में रख लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ देखिए सब कुछ रेडी है, बस मछली फ्राई करके उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मछली फ्राई करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि मसाला ही भूनना रहता है। तो यहाँ देखिए डाल रही हूँ मैं मछली को, तेल थोड़ा कम है दोस्तों इसमें। लाइट भी आ गया दोस्तों, लाइट अभी भी गया, अभी भी आ गया। यहाँ देखिए मैं चावल बना रही हूँ और मछली चावल। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है, यहाँ देखिए सरसों है, एक मिर्च है,
इसको चटकने देंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे हम। थोड़ा सा मसाला का पानी डालेंगे दोस्तों। चलिए मसाला को अच्छे से भूनेंगे। अभी हम थोड़ा इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं साथ ही साथ। स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है, उसके हिसाब से मैं डाल ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा। और साथ ही साथ ये भी मछली में भी फ्राई करते टाइम नमक गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मसाला भुनने के बाद मिलती है दोस्तों, बने रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मसाला हमारा पक चुका है, बहुत अच्छे से भून ली हूँ इसको। 12 मिनट दोस्तों भूनी हूँ थोड़ा पानी डाल के। चलिए ये हो गया, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। यहाँ देखिए डंठल वाला जो है थोड़ा सा 1-2 मिनट भून लेते हैं ताकि गल जाए डंठल हमारा। धनिया पत्ता में जो है पत्ता वाला बाद में पानी के साथ डालेंगे। यहाँ देखिए डंठल वाला है, इसमें डालेंगे भुनेंगे 2 मिनट में गल जाएगा। चलिए इसके बाद हम 2 मिनट बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा मसाला पूरा अच्छे से पक गया है। बहुत अच्छे से मसाला हम पका लिए हैं। किनारे किनारे तेल छोड़ दिया है, आने लगा है। बने रहिए, पानी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए डंठल हमारा गल गया है। चलिए इसमें हम पानी ऐड करते हैं। बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए पानी हम इतना सारा डाले हैं, इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम मछली, यहाँ देखिए ये है मछली हमारा, धनिया पत्ता इतना रखे हैं, मछली के साथ डालेंगे। चलिए एक उबाल आने तक बने रहे, इसे भी ऐड करते हैं और ढक देते हैं। एक उबाल आ जाने के बाद सब ये सब उसमें ऐड कर देंगे। तो बने रहिए दिखाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए इसमें पानी में उबाल आ गया, चलिए हम ये वाला मछली इसमें ऐड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको हम 5-7 मिनट इसको पकाएंगे, ऐसे ही ढककर नहीं पकाना है। अब ऐसे ही 5-7 मिनट बाद मिलते हैं दोस्तों। देखिएगा कैसा हमारा ग्रेवी चाहिए और हो जाएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे। तो अभी के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मछली हमारा रेडी हो गया है। चलिए गैस को हम ऑफ कर दे रहे हैं। ग्रेवी देखिए सूख गया है, इतना ग्रेवी अच्छा है। तो चलिए हम गैस को ऑफ कर देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और निकाल के भी दिखलाएंगे तो बने रहिए। तो रेडी है खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बाय।